हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं विष्णु शर्मा बात करूंगा रणवीर दीपिका की शादी की डेस्टिनेशन की, वो विला और वो झील जहां पर ये शादी हो रही है उनके बारे में बड़ी दिलचस्प बातें, क्या है उसका जेम्स बॉन्ड कनेक्शन और कैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले पहले इटालियन ने उस विला को अपना घर बनाया और आज वहाँ म्यूजियम भी है, पास में एक मोनेस्ट्री भी है और वो लेक कैसे वाई आकार में है वो आप आज जानेंगे। दरअसल उस लेक को क्यों चुनते हैं लोग, हॉलीवुड के तमाम जो लोग हैं वो भी उस लेक को क्योंकि वाई इसलिए चुनते हैं क्योंकि बहुत खूबसूरत है। तमाम जितने सर्वेज हुए हैं उसमें दुनिया भर के उसमें उस टूरिस्ट प्लेस को काफ़ी खूबसूरत बताया गया, कई फिल्मों की शूटिंग हुई है वहाँ पर। तो हम बात करेंगे कैसे वाई आकार में बनी हुई, अगर ऊपर से आप एक एरियल व्यू देखते हैं उस लेक का तो अड्डा नदी है, उसके जो मेन फीडर है उसमें पानी का वो अड्डा नदी है इटली की और वो उसको फीड करती है पानी उससे। और उस लेक को वाई आकार में आप देख सकते हैं, तीन चार छोटे छोटे सिटी से हुए, इसमें कोमो भी है, वो कोमो टाउन, वहीं ये सब फेमस है क्योंकि विलाज और जो विलेजेस हैं बहुत खूबसूरत वहाँ बने हुए हैं। हॉलीवुड के तमाम लोग वहाँ एक विला खरीदना जरूर पसंद करते हैं, ऐसे ही इटली के तमाम जाने माने लोग उन विलाज को खरीदना पसंद करते हैं। ऐसे ही 1787 में उस वक्त भी इतनी डिमांड थी कि इस विला को बनवाया गया क्योंकि पास वाली किसी ज़मीन को खरीदना चाहता था एक इटली का कार्डिनल, लेकिन वो नहीं खरीद पाया तो उसने इस विला को बनवाया जिसमें शादी हो रही है। इस विला का नाम है डेल बाल बियानालो और इस विला की खासियत है इसकी टेरेस गार्डन्स काफ़ी खूबसूरत है। 1787 में बनाया गया, दोबारा इसको रेस्टोर करके इतना खूबसूरत आप अंदर के सारे रूम्स देखेंगे तो पाएंगे। इस विला का जो आखिरी मालिक था वो था गुइडो मोंजिनो, वो इटली में इसलिए जाना जाता है कि इटली का जो पहला दल गया माउंट एवरेस्ट जीतने के लिए चढ़ने के लिए उस दल का लीडर था वो, इसलिए उसका म्यूजियम भी वहाँ बनाया गया है। और वो विला इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है उस झील के किनारे लेक कोमो के सहारे कि तमाम सारे लोग, मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 साल में 90,000 विजिटर्स केवल उस विला को देखने आए हैं और ऐसे में देखने आने वालों की भीड़ है। और जब वहाँ शादी जैसा फंक्शन होता है, रणवीर और दीपिका उसको चुनते हैं, तो आप खुद ही समझ लीजिए कि वो कितना खूबसूरत होगा। माना जा रहा है कि इसमें 2 सी प्लेन हायर किए हैं रणवीर ने जिसके ज़रिए बारात की एंट्री होगी, और क्योंकि ये झील के बिल्कुल किनारे है और इसके शानदार जो लोकेशंस हैं, और मैं आपको बता दूँ कि जो जो इलाका है पूरा का पूरा वहाँ 3 डिग्री से 23 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है, हाईएस्ट टेम्परेचर 23-24 जनवरी में जाता है और बाकी टाइम ये 3 डिग्री तक नीचे चला जाता है। और जो माना जा रहा है कि अभी 15 से 20 डिग्री के आसपास होना चाहिए नवंबर में, ऐसे में बड़ा खूबसूरत इसलिए माना जा रहा है कि इसके बाद जो इनकी डिजाइनर हैं, जो वेडिंग प्लानर हैं, वो इसको भव्य रूप देंगी। मैं आपको बता दूं कि इस विला में कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, जिन 2 फिल्मों को आप अच्छे से जानते होंगे, 2 के बारे में अच्छे से जानते होंगे। एक है कैसिनो रॉयल, जो जेम्स बॉन्ड की फिल्म थी, 2006 में शूट हुई थी और इसी विला में शूट हुई। दूसरा स्टार वार्स का 2nd एपिसोड यहाँ शूट हुआ था और भी कई फिल्मों की, यहाँ बड़ी फिल्मों की शूटिंग हुई है, लेकिन स्टार वार्स को आप जानते हैं, कैसिनो रॉयल को आप जानते हैं, इसलिए मैंने बताना ठीक समझा कि उससे आप जोड़ के देख सकते हैं कि इस विला को ही क्यों खास तौर पे चुना जाता है। और इस विला की और भी कई दिलचस्प कहानियां हैं, किसी और स्टोरी में आपको बताएंगे। तब तक देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।